व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हमारी ये यूरोप की ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं एक क्यू एन ए करूँगा पूरी यूरोप ट्रिप में जो आपने क्वेश्चन पूछे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस। अब ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है ये शुरू करते हैं। सो ऑन अ हाई लेवल लोगों ने दो तरह के क्वेश्चन पूछे थे, एक तो हमारे बारे में कि हम कैसे मैनेज करते हैं ट्रैवल छुट्टियाँ वगैरह, और एक ट्रिप के बारे में कि कहाँ से सस्ती टिकट ली, कैसे बजट बनाया, कितने दिन चाहिए घूमने के लिए वगैरह वगैरह। पहले बात करते हैं ऐसे सवालों की जो लोगों ने हमारे बारे में पूछे थे कि तुम इतना पैसा कहाँ से लेके आते हो घूमने के लिए, इतनी छुट्टियाँ कहाँ से मिलती हैं। फिर कुछ लोगों ने बोला हुआ था कि तुम बेकार पेरेंट्स हो, अपने बच्चों को अपने साथ घुमा रहे हो, उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, उनके पढ़ाई के दिन है, क्यों उनकी पढ़ाई ख़राब कर रहे हो। सो मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखो गाइस, हम दोनों जॉब में हैं और मेरे साथ तो खासकर क्या है, मैं जितनी छुट्टियां लेता हूँ मेरे को उतने पैसे कटते हैं मेरे, बिकॉज आई डू कंसल्टिंग। हम लोग जो ये गए थे इस ट्रिप पे, ये ट्रिप थी टोटल 2.5 वीक्स की। ऐसा लग रहा है कि हम लोग 3 महीने पता नहीं कितना घूम रहे थे, ऐसा नहीं है। टोटल ट्रिप थी 2.5 वीक्स की, जिसमें बच्चों ने टोटल छुट्टियाँ ली थी 8 या 9 दिन की, प्लस वीकेंड्स मिला दो, और कुछ दिन उन्होंने पढ़ाई करी थी क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक जो लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे अभी तक ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। बच्चे अपने डिवाइसेस लेकर गए हुए थे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। टोटल 8 या 9 दिन की छुट्टी ली थी, जैसे हमने ली थी लगभग उतनी ही लगभग उन्होंने ली थी। पैसा कहाँ से इतना ले गया, तो वही अगेन, जब लॉकडाउन चल रहा था तो हर एक कोई अपना, आपको पैसा स्पेंड करना पड़ता है राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा स्पेंड करना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए, फिर बच्चों के स्कूल में पैसा खर्च करना पड़ता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप शाम को 6 बजे तक बच्चों को पिक करने आओगे तो तब तक वो संभालते हैं बच्चों को। वो दोनों की सेविंग हो रही थी, हम लोगों ने काफ़ी पैसा सेव किया था उस टाइम पर, हमने तभी ये डिसाइड किया था कि इस पैसे को हम लोगों ने टोटल ट्रैवल में यूज़ करना है, दैट्स व्हाट वी यूज़। तो कोई हमारी लॉटरी नहीं लगी है, कहीं से नहीं आई, आपको पता ही है जॉब में जब आप होते हो, एक आपकी जॉब जितनी भी हो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आपकी अर्निंग होती है, और आपको सोच समझ के अपना बजट बना के स्पेंड करना पड़ता है। तो जितना हमारा बजट था उसी हिसाब से हम लोगों ने स्पेंड किया, और लोगों ने पूछा हुआ था कि टोटल कितना खर्चा हुआ, तो एक मोटा मोटा, मैं बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता, आपने नोटिस किया होगा, आई डोंट गो टू मच इनटू प्राइसिंग कि ये $5 की थी, $10 की थी, हम इतना नहीं करते। ओवरऑल जो मुझे लगता है शायद हमने 15 to 18,000 कैनेडियन डॉलर्स स्पेंड किए होंगे। हम लोग 4 कंट्रीज गए थे, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, फ्रांस में पेरिस और स्पेन में मैड्रिड, बस 4 जगह हम लोग गए थे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो लोगों ने स्विट्जरलैंड के अराउंड पूछे थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासकर इंडिया से जो टूरिस्ट आता है वो स्विट्जरलैंड आई थिंक नंबर 1-2 में होगा। तो लोगों ने उसके अराउंड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि हम कितने दिन थे स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में कितना बजट चाहिए घूमने के लिए, और कितने की टिकट्स मिलती हैं, होटल्स कहाँ से बुक किए वगैरह वगैरह। सो उसके बारे में बात करते हैं। सो एक तो हम लोग थे 6 दिन के लिए, तो लोगों ने पूछा था कि स्विट्जरलैंड में कितने दिन चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है अगर आप 2 वीक निकाल सको यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छे से घूम पाओगे आप। स्विट्जरलैंड कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन आप जिस भी कोने में जाओगे उस कोने में अपना कुछ एक अलग फ्लेवर है, कुछ तो स्मॉल विलेजेस हैं, कुछ बड़ी सिटीज़ हैं, तो वो मिक्स करके मुझे लगता है कि 2 वीक आपको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में 1 वीक भी हो तो भी आप बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, तो between 1 to 2 weeks जो मेरा ये है, उससे कम में आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, आप वहाँ की फील ही अच्छे से नहीं ले पाओगे। टिकट्स कहाँ से बुक करते हैं और कितने की है, देखो टिकट वगैरह का वही होता है आप कौन सी जगह पे हो उस पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने कनाडा से बुक करी थी, और शुरू में हमारा स्विट्जरलैंड जाने का प्लान ही नहीं था, हमारा सिर्फ लिस्बन जाने का प्लान था, बट हमें लगा कि 2.5-3 हफ्ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ के लिए, सो फिर हम लोगों ने स्विट्जरलैंड और बाकी जगह की बीच में उसको फिट कर दिया था। बट ओरिजिनली जब हमने पहले सबसे पहले टिकट बुक की थी तो नहीं था। एनीवेज, टिकट सीजन पे डिपेंड करती है, कौन सी एयरलाइन पे आ रहे हो, कौन सी क्लास में आ रहे हो, इकोनॉमी में आ रहे हो, बिजनेस में आ रहे हो, वो सब मैटर करता है, सीजन वाइज मैटर करता है। बट मैं आपको ये टिप दे देता हूँ कि मैं कहाँ से टिकट बुक करता हूँ। टिकट का कोई ऐसा 1 फिक्स्ड प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हम लोग जाते हैं, आई ओनली गो टू गूगल फ्लाइट्स। गूगल फ्लाइट एग्रीगेटर की तरह काम करता है, वो सब जगह सर्च कर लेता है कि कब कौन सी वेबसाइट के ऊपर या कौन सी एयरलाइन के ऊपर सबसे चीपेस्ट टिकट्स मिल रही हैं, तो हम वहीं जाते हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस पर्टिकुलर एयरलाइन से करानी है या इस पर्टिकुलर वेबसाइट से करानी है, जो सस्ती दे देगा वहीं से हम लोग करवा लेते हैं। सेम ही होटल्स का है। अब होटल्स के बारे में लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कितना खर्चा आता है। मुझे ये लगा स्विट्जरलैंड में अगर 2 लोग जा रहे हैं
तो लगभग 100 फ्रैंक में डिसेंट सा होटल आपको मिल जाता है। अगेन ये भी डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में गए हो। अब मान लो आप बिल्कुल ही पीक सीज़न में गए हो तो थोड़ा ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऑफ सीज़न में गए हो तो थोड़ा कम होगा। हम 4 लोग थे, रफली ऑन एन एवरेज हमने 150 फ्रैंक्स पे किए। अब लोगों ने पूछा था कि कब जाना बेस्ट रहेगा, तो वो आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस है। जैसे किसी को मान लो स्कीइंग अच्छी लगती है, विंटर इज़ दी ओनली ऑप्शन। प्रॉपर वेकेशन के लिए जाना है, समर इज़ बेस्ट टाइम। अगर बजट ट्रिप है देन आई वुड से जैसे हम गए थे मार्च अप्रैल का टाइम फ्रेम बजट ट्रिप के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एक शोल्डर मंथ होता है, ना विंटर्स हैं ना समर्स हैं, तो इतना टूरिस्ट नहीं होता वहाँ, कम होता है, तो आपको होटल्स की ऑप्शन भी ज़्यादा मिलेंगी, चीपर मिलेंगी, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप बजट ट्रिप के लिए जा रहे हो। अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हो तो स्विट्ज़रलैंड के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ से अगर आप खाना लेके खाओगे इट्स वेरी हाई क्वालिटी, कोई ऐसा नहीं कि घटिया खाना है, बहुत बढ़िया खाना होता है। और दूसरी बात, मुझे तो पर्सनली लगता है उसमें टाइम बहुत बचता है। जैसे अगर हमने एक दिन में 4 चीज़ें कवर करनी है और साथ में रेस्टोरेंट भी जाना है बच्चों के साथ, तो हमें लगता है 1 से 2 घंटे तो रेस्टोरेंट में ही लग गए। तो उसकी बजाय अगर आपने फटाफट ग्रोसरी स्टोर से सामान खाने का सैंडविचेस बर्गर्स वगैरह उठा लिए, वो चीपर भी रहते हैं, और आपने अपने बैग में भर लिए जहाँ भी आप जा रहे हो, आपने बर्गर निकाला सैंडविच निकाला और खा लिया, तो आपको घूमने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है, मुझे ऐसा लगा। बाकी हर एक की अपनी पॉकेट जितना अलाउ करती है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है गो टू द बेस्ट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरा एक्सपीरियंस था स्विट्ज़रलैंड में। फिर होटल्स के बारे में लोगों ने पूछा हुआ था, अगेन कोई ऐसे वन पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जहाँ से हम होटल्स बुक करते हैं, जहाँ से बढ़िया मिले डील वहीं से कर लेते हैं, और उसके लिए अगेन वी यूज़ गूगल होटल्स। गूगल होटल्स पे जाओ, लोकेशन लिखो, डेट्स डालो, वो एग्रीगेटर है, वो अलग अलग जगह से आपकी, कई बार वो गूगल दिखाता है कि एक्सपीडिया पे सस्ती मिल रही है होटल की बुकिंग, तो वहाँ से कर लेते हैं, booking.com से या कोई भी और वेबसाइट हो हम उस पर कर लेते हैं। बस आपको ये देखना है कि अगर कोई इंटरनेशनल वेबसाइट है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनली चल जाए, तो वो है। फिर क्वेश्चन पूछा लोगों ने डेटा प्लान का क्या किया, हाउ डू यू मैनेज सो मच डेटा। वो टिप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ इस ऐप का नाम है जिस एरालो, नॉट स्पॉन्सर्ड, आई यूज इट एवरी टाइम आई ट्रेवल। वो अगर आपके पास में कोई भी ऐसा फ़ोन है जिसमें ई सिम चल जाता है, जैसे लेटेस्ट iPhones में चल जाता है, सैमसंग में, गूगल में, और आई थिंक आजकल बहुत सारे फ़ोन सपोर्ट करते हैं, तो इस ऐप से आप ई सिम डाउनलोड कर सकते हो, वर्चुअल सिम है। आपको कोई दुकान पे नहीं जाना, टाइम नहीं वेस्ट करना, उनसे प्लान नहीं समझने कि क्या होगा क्या नहीं, सिंपली डाउनलोड करो, स्टार्ट यूजिंग द डेटा। मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आई थिंक $3 का आपको मिलेगा उसमें रेफरल बोनस, और $3 का मुझे मिलेगा, तो अगली ट्रिप पे मेरे को यूज़ हो जाएगा अगर आप उसको ले लोगे। स्विट्ज़रलैंड में क्या आपको स्विस ट्रैवल पास लेना चाहिए, हमने लिया था, तो लोगों ने पूछा था कि उसके कितने एक्सपेंसेस थे, कितना एक्सपेंसिव था, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और क्या आपको कार रेंट करनी चाहिए या फिर स्विस ट्रैवल पास बेटर है। स्विस ट्रैवल पास आपको अलाउ करता है कि आप अनलिमिटेड ट्रैवल करो, तो वो आपका आई थिंक 3-4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का, ऐसे है। क्लूक एक सर्विस है जिससे मैंने स्विस ट्रैवल पास लिया था, और उसका बेनिफिट ये था कि आपकी ऐप के ऊपर ही वो पास आ जाता है, तो वो क्लूक की ऐप खोल के वो दिखाना आसान रहता है। हमने 6 दिन का पास लिया था, 6 दिन में जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी नॉर्मल उनकी बसेस, ट्रेन्स, इवन जो उनकी बोट्स चलती हैं वो उसमें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन माउंटेन एक्सकर्शन इंक्लूडेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम लोग गए थे जरमैट में मैटरहॉर्न तक, तो वो इंक्लूडेड नहीं था, जो फाइनल वाली जो कॉगवेल रेल है, बट हर एक पे आपको डिस्काउंट मिलता है। जितने भी हम माउंटेन पीक्स पे गए थे मोस्टली उसमें कवर्ड नहीं थे, तो हम दोनों की जो कॉस्ट थी इसकी स्विस ट्रैवल पास की 6 डेज की वॉज रफली $1,000 Canadian, और उसके अलावा जो भी हमने माउंटेन एक्सकर्शन किए रफली $50 to $100 की उसकी टिकट एक्स्ट्रा हमारे को पे करनी पड़ी। द गुड थिंग इन दिस इज कि किड्स आर फ्री, तो आई थिंक 15 या 16 साल से छोटे बच्चे फ्री होते हैं, तो 2 ही लोगों की टिकट लगी हमारी, और उसमें 4 लोग हम लोग जा पाए। और उसके अलावा जो कुछ गंडोला राइड्स होती हैं उस पर भी 50% लगभग डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने सारा कैलकुलेशन करी जो कि मुझे लगा कि लगभग बराबर पड़ेगा अगर मैं स्विस ट्रैवल पास लेता हूँ, या फिर एक और पास होता है जिसको बोलते हैं हाफ फेयर कार्ड,
वो हाफ फेयर कार्ड से सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। तो लोग बोलते हैं फिर आप तुम वही ले लो, हाफ फेयर कार्ड ले लो, तुमको ये लेने की क्या ज़रूरत है स्विस ट्रैवल पास। बट मैंने पूरा जो हिसाब लगाया वो लगभग बराबर पड़ता है। बट स्विस ट्रैवल पास इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट कि आपने एक बार पास खरीदा, 6 दिन तक आपको कोई टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको काउंटर पे लगना पड़ेगा। वैसे आप टिकट ऐप से खरीद सकते हो बट फिर भी टाइम तो लगता है, तो आपको जब भी जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है पहले देखना पड़ेगा कौन सा स्टार्टिंग स्टेशन है, कौन सा एंडिंग स्टेशन है, उसकी कितने की टिकट है, फिर वो आप ऑनलाइन पेमेंट करो उसकी या फिर खिड़की पे जाके आप लो, वो सब हट जाता है। आपकी जेब में पास है, आप गाड़ी में बैठ गए और चल दिए, टीटी आएगा चेक करने के लिए, आपने उसको पास दिखाना, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट होगा। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मुझे ज़्यादा भी देने पड़े पैसे तो मेरा टाइम बचेगा, दैट्स वाई वी गॉट स्विस ट्रैवल पास। फिर हम लोगों ने ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन की थी, उसमें भी स्विस ट्रैवल पास चलता है बट आपको सिर्फ बुकिंग फीस देनी पड़ती है, वो शायद 40 फ्रैंक्स हम लोगों ने पर पर्सन दिए थे। सो दैट्स वाई आई थिंक स्विस ट्रैवल पास मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ। गाड़ी क्यों नहीं रेंट की, गाड़ी भी रेंट कर सकते थे। येस दैट इज़ राइट, गाड़ी भी रेंट कर सकते थे। हम मैक्सिमम जहाँ भी जाते हैं हम लोग या तो अपनी कार पे गए या फिर वहाँ जाके गाड़ी रेंट कर लेते हैं। बट वी वॉन्टेड टू डू इट स्लाइटली डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि यूरोप का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है और फिर हम वीडियो बनाने वाले लोग हैं, तो अगर खुद ही गाड़ी ड्राइव ही कर रहे हो पूरा टाइम और फिर आप वीडियो भी बना रहे हो, फिर आप थक ज़्यादा जाते हो, मुझे लगता है कि यू गेट टायर्ड मोर इजिली। कार्स ट्रेन्स आर मच मोर कम्फर्टेबल, आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, खाना वाना खाना है। बहुत सारी तो ट्रेन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, तो आपको भूख लगी है कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन में से निकालो। ट्रेन स्टेशन्स के ऊपर ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऑप्शन है। तो मुझे ट्रेन एक्चुअली बहुत बढ़िया लगी स्विट्ज़रलैंड की। मैं तो अगर कोई जाएगा मैं उसको रिकमेंड करूँगा। यद द ट्रेन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है डेफिनेटली, कार्स आर मच फास्टर पॉइंट ए टू पॉइंट, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट फिर आपको पार्किंग नहीं ढूंढनी, पार्किंग की पेमेंट नहीं करनी, और कई जगह ऐसी होती है जैसे एक होटल में हम लोग गए थे उसके पास में 6 या 7 पार्किंग थी और सब लोग अपनी गाड़ी लेके आए थे, पार्किंग की जगह बची नहीं थी, उसने साथ वाले जगह पे कहीं बताया वहाँ जाके पार्क करके आओ, और हमें टेंशन नहीं थी। तो किसी ने पूछा हुआ था कि क्या ग्लेशियर एक्सप्रेस पे जाना चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में तो सारे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो ग्लेशियर एक्सप्रेस पे जाने का क्या फ़ायदा है। देखो बात बिल्कुल सही है, जिस भी आप ट्रेन में जाओगे व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग है, बट एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ऐसे है कि आप 8 घंटे ट्रेन में बैठे हो एंड दी ओनली पर्पस इज जस्ट टू लुक आउटसाइड द विंडो, अदरवाइज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना होता है, यू नो आपको वो दिमाग में वही रहता है अभी उतरना है, बस 1 घंटे में 2 घंटे में उतरना है। बट अगेन हमें तो बहुत अच्छा लगा, वी रिकमेंड अगर आप जाते हो, बट पर्सनल प्रेफरेंस ऐसी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डेफिनेटली चले जाओ, और पास में इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली चले जाओ, बट स्किप भी कर दोगे इट्स नॉट अ बिग डील, दैट आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन। और फिर लोगों ने पूछा हुआ था कि क्या स्विट्ज़रलैंड में खाने की प्रॉब्लम आती है कि रात को रेस्टोरेंट्स वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज फूड। ये डिपेंड करता है कौन सी जगह पे हो, अगर तो छोटा गांव है डेफिनेटली 6-7 बजे मोस्टली चीज़ें जगह बंद हो जाती हैं, कई तो रेस्टोरेंट्स भी बंद हो जाते हैं, शॉप्स तो सारी बंद हो जाती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं 6-7 बजे। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि अगर आप जिस गांव में गए हो जो स्मॉल विलेज वगैरह है वहाँ पे आप गूगल मैप्स पे खोल के देख सकते हो कौन से रेस्टोरेंट से कितने बजे बंद होते हैं, और उनके बंद होने से पहले अपनी मील आप ऑर्डर कर दो या ले लो। ग्रोसरी स्टोर से अगर आप बर्गर सैंडविचेस वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो। बड़े शहर में जाते हो, मान लो आप लुसर्न गए, ज्यूरिख गए, तो वहाँ पे बहुत देर तक खुले हैं, कोई इतना स्ट्रेस नहीं है, 9-10 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। मार्केट थोड़ी जल्दी बंद हो जाती है, जैसे शॉप्स वगैरह थोड़ी जल्दी हो जाती हैं बंद, वो बड़े शहर तो प्रॉपर शहर की तरह है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ग्रोसरी स्टोर तो बहुत जो भी स्टेशन है वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर तो 10 बजे तक भी खुले हैं, 10 या 11 बजे तक भी खुले हैं ग्रोसरी स्टोर्स। किसी ने लगेज के बारे में पूछा था कि लगेज कैसे मैनेज किया था इतना सारा, इतने दिन के लिए, इतने लोगों के लिए, और इतने कम उसमें कैसे मैनेज किया था। सी वी पैक वेरी वेरी लाइट, 2 या 3 क्लोथ्स फॉर एवरीबडी, हमारे पास में एक कैबिन बैग था पर पर्सन और एक बैकपैक। वो बैकपैक में मेनली डिवाइसेस ही थे, बच्चों के अपने डिवाइसेस थे, मेरे पास में कैमरा बैग था प्लस लैपटॉप कैमरा बैग के अंदर ही था, और एक बैग जो कैबिन बैग था लगेज पीस दैट इज़ क्लोथ्स। और मोस्टली हम 8 से 10 दिन कपड़े पहन सकें इतने लेके जाते हैं, तो उसमें 2 हो गए या 3 हो गए, 2-3 दिन आपके एक
कपड़े आराम से चल सकते हैं। एक हफ्ते के बाद हम लोग लॉन्ड्री ढूंढ लेते हैं और फिर वहाँ पे लॉन्ड्री कर लेते हैं। मोस्टली यूरोप में कहीं भी आप जाओ लॉन्ड्री मिल ही जाती है। और हमें पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा लगेज लेके जाना, क्योंकि खासकर जैसे ये ट्रिप थी, यहाँ तो 10 या मे बी उससे भी ज़्यादा फ्लाइट्स थी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे को अपना लगेज चेक इन ना करना पड़े प्लेन में, कैबिन में ही चला जाए, क्योंकि चेक इन में और फिर बेल्ट पे वेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब आप कहीं 2-3 दिन के लिए गए हो तो कितने घंटे वेस्ट करोगे। तो ऐसा हमें करना भी पड़ा। जब हम पेरिस आए तो वहाँ पे उसने बोला फ्री में तुम्हारा चेक इन कर देंगे। हमने सोचा कि चलो एयरपोर्ट पे हमें सामान ढोना नहीं पड़ेगा, चेक इन कर दें, पर 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। जब स्पेन से आ रहे थे तो उसने बोला हमारे को क्रू ने कि तुमको प्लेन में जगह ही नहीं है, बहुत छोटा प्लेन है, तो इसको चेक इन कर दो। तो हम लोगों ने चेक इन कर दिया, बट उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे को बाहर बेल्ट पे लेने जाना पड़ा। जब तक वापस आए तो उन्होंने गेट्स ही बंद कर दिया, हमें सिक्योरिटी चेक ही बंद, हम अंदर ही नहीं जाने दिया। तो इसीलिए वी प्रेफर नॉट टू चेक इन, आप हैंड बैग में जो ले जाना है ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। फिर कुछ लोगों ने सेफ्टी के अराउंड क्वेश्चंस पूछे हुए थे, खासकर स्विट्ज़रलैंड में, लिस्बन में वगैरह। तो देखो स्विट्ज़रलैंड तो मुझे बहुत ज़्यादा सेफ लगा। वहाँ पे एक उससे हमारी बात हुई थी जो फेलो ट्रैवलर से, उसने बोला था कि कभी उसने सुना है किसी के साथ में कि सामान चोरी हो गया, बट जनरली लोगों का ये मानना है स्विट्ज़रलैंड इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। जहाँ तक बाकी जगहों का सवाल है, पेरिस वो सबसे नोटोरियस है, वहाँ पे चोरी चकारी जेब कतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। मैड्रिड में भी है और लिस्बन में भी है, बट आई थिंक पेरिस उन सब में सबसे वर्स्ट है इस केस में जो हमने सुना है। बट हमारी ट्रिप में हमारे को पर्सनली कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। पेरिस में हमारे को रात को हम लोग एक जगह पे वॉक कर रहे थे और लोग ग्रुप्स में खड़े हुए थे, बहुत हो हल्ला कर रहे थे, उनके हाथ में डंडे वगैरह भी थे, लड़ाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे वी डोंट नो, बट हमारे को थोड़ा अनसेफ फील हुआ। मैड्रिड और लिस्बन में हमारे को बिल्कुल अनसेफ फील नहीं हुआ, वो बहुत ही सेफ फील हुआ और कोई इश्यूज़ भी नहीं है। वो एक गाड़ी वाला हमारा इंसिडेंट हुआ था, हमारे टैक्सी ड्राइवर ने दो बारी, एक तो टैक्सी ने किसी गाड़ी में ठोक दी और एक बार वो टैक्सी वाले ने किसी बंदे को चलते हुए पेडेस्ट्रियन को थोड़ा सा हिट कर दिया था। बट अदर देन दैट कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। सुनी सुनाई बातें हैं, बट अपनी तरफ से सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह के जो पैक्स होते हैं जो आपके कपड़ों के नीचे आ जाते हैं, इसमें अपने पैसे, लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह रख सकते हो, और बहुत फ्लैशी मत हो। कोशिश ये करो कि कोई ज्वेलरी वगैरह आपकी ऐसा सच नज़र ना आ रही हो, और आप हो तो टूरिस्ट बट कोशिश ये करो कि टूरिस्ट ना लगो। दैट इज़ जनरली एक टिप जो हर कोई बोलता है कि अगर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लग रहे हो देन यू बिकम टारगेट। एक क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो किसी ने पूछा हुआ था कि हाउ डू यू मेक श्योर कि हाउ डू यू मैनेज योर हेल्थ, कि इफ़ यू गेट सिक व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोप। सी हम देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट। एक तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जा सकते हो, तो जब भी आप बुक करते हो टिकट, कई बार एयरलाइंस ऑफर करती हैं या आपके क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स भी आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हम पर्सनली क्या करते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड में ये ऑप्शन होती है कि जब भी हम कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड पूरी फैमिली को हेल्थ केयर कवरेज देता है, तो हम एडिशनल कभी भी बाय नहीं करते उसके लिए। और उसके अंदर कई सारे बेनिफिट होते हैं, एक तो आपका ट्रैवल भी कवर्ड होता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, आपका सामान गुम हो गया, वो भी सब उसके अंदर कवर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कवर नहीं करता है देन आई रिकमेंड कि आप बाय करो, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं यूरोप वगैरह या नॉर्थ अमेरिका में आप घूमने आते हो, दिस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो बहुत बहुत महंगा पड़ता है, तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि मैंने बहुत हॉरर स्टोरीज सुनी है, मैं सारी तो इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, और ख़ासकर उसमें मेडिकल कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के खर्चे की बात करूँ, तो हमारा जो होटल था उसका लगभग हमने पे किया था, हम लोग 6 नाइट्स रुके थे, रफली 1100 फ्रैंक्स हम लोगों ने लगभग पे किए थे। फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें ट्रेन्स, गंडोलाज, ये सब मिला के लगभग मुझे अप्रॉक्सीमेट फिगर थी 1500 हम लोगों ने पे किए होंगे उसके लिए, और लगभग इतने ही हम लोगों ने खाने के लिए पे किए थे। और फिर छोटी मोटी और अट्रैक्शंस हो गई या फिर सुवीनियर्स आप थोड़े बहुत लोगे, तो मुझे लगता है कि शायद 5000 फ्रैंक्स हमारा स्विट्ज़रलैंड का था 4 लोगों का, ठीक है। प्लस इसके अंदर अभी टिकट्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमने ट्रैवल किया था लिस्बन से
स्विट्ज़रलैंड, और वो टिकट्स हमें बहुत चीप मिली थी, 35 यूरो की आई थिंक 1 पर्सन की टिकट। अब अगर आप इंडिया से आ रहे हो, नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हो, तो ऑफ़ कोर्स आपको 35 में तो नहीं मिलेंगी, आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर बात करें पर पर्सन एक्सपेंसेस की, तो मुझे लगता है 150 to 200 फ्रैंक्स पर पर्सन पर डे इज़ अ गुड अमाउंट फॉर डिसेंट बजट ट्रैवल। मतलब ये इसको मैं लग्जूरियस नहीं कहूँ, लग्जूरियस के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो अगर आप इतना इसमें, और इसमें टिकट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो आपकी 150 टू 200 फ्रैंक्स में आपकी अकोमोडेशन भी हो सकती है, खाना भी हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि कोई ऐसी स्पेसिफिक ऐप्स हैं जो ट्रैवल के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। यस, एक तो ट्रिप एडवाइज़र हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों ने ये भी पूछा हुआ था कि हमें वो जगहें मिलती कैसे हैं घूमने के लिए। तो ट्रिप एडवाइज़र पे गो, वहाँ पे टैब होता है थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू सी, वहाँ पे जाके लोगों ने रिव्यूज़ डाले होते हैं ऑनेस्ट, उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाता है। अब बहुत सी ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं जो हर किसी के लिए नहीं बनी होती। फॉर एग्जांपल हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ अट्रैक्शंस ही हम जा सकते हैं, तो उसकी बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता है। लोगों ने रिव्यूज़ लिखे होते हैं, फैमिली वाले लोग होते हैं, उन्होंने रिव्यूज़ लिखे होते हैं। फिर गूगल मैप्स तो एनीवेज पूरी दुनिया में चलता ही है, आप इजीली सर्च कर सकते हो रेस्टोरेंट्स नियर मी, ग्रोसरी स्टोर्स नियर मी, उनकी टाइमिंग्स वगैरह सब गूगल मैप्स में ही आपको पता चल जाती हैं। इसके अलावा क्लूक हमने इस बार काफ़ी यूज़ की, कई अट्रैक्शंस थी पेरिस में, लिस्बन में, स्पेन में, जो हमने क्लूक ऐप के थ्रू खरीदी। तो क्लूक पे थोड़ा बहुत कई चीज़ों पे डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कन्वीनियंट बहुत होता है कि मोबाइल ऐप से ही आपने बाय कर लिया और मोबाइल ऐप में आपका पास आ गया। जैसे हमने स्विस ट्रैवल पास क्लूक ऐप से ही ख़रीदा था, तो जब भी टीटी आया तो क्लूक ऐप खोली और उसमें दिखा दिया। तो ये कुछ एक ऐप्स हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर गूगल ट्रांसलेट तो है ही, स्पेन में, पेरिस में और लिस्बन में, इंग्लिश की लिस्बन में थोड़ी कम थी, पेरिस और स्पेन में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज की हमारे को दिक्कत आई, तो गूगल ट्रांसलेट खोल के काम चल गया जैसे तैसे। कुछ लोगों ने अपार्टमेंट के बारे में पूछा हुआ था कि वो अपार्टमेंट्स जो स्विट्ज़रलैंड में हमने किए थे, लुसर्न में और ज्यूरिख में, वो कहाँ से बुक किए थे। अगेन, मेरे को वो गूगल होटल्स पे अपार्टमेंट मिले थे, और गूगल होटल की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो मैप पे ही दिखाता है आपको। तो अगर आप स्टेशन के आसपास ढूंढ रहे हो होटल वगैरह या अपार्टमेंट, तो आपने गूगल होटल्स में डाला तो आपको मैप में ही दिखा देगा, तो आप एरिया अपने दिमाग में रख सकते हो कि इससे दूर मेरे को जाना ही नहीं है। और वो जो अपार्टमेंट्स बुक किए थे वो दोनों बार आई थिंक booking.com से किए थे हमने, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। जैसे हम जो स्पेन में अपार्टमेंट में गए, तो उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, बट हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, और बट हिट और मिस है। हमने अपार्टमेंट्स इसीलिए किए थे, हमारा प्राइमरी पर्पस क्या था अपार्टमेंट का, एक तो कई बार जगह खुली मिल जाती है, यू हैव किचन। अगर आप 15-20 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खाया जाता और एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो हमने कोशिश की कि जहाँ हमें अपार्टमेंट मिल जाए वहाँ हम अपार्टमेंट ले लेंगे, ताकि आसपास ग्रोसरी से थोड़ी बहुत आप शॉपिंग करके, और कुछ नहीं तो ब्रेड ऑमलेट ही बना के खा सकते हो, इस चीपर, और कभी कभी अपने हाथ का बनाया खाना अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की, हमें अपार्टमेंट्स जहाँ मिल जाए वहाँ हम अपार्टमेंट्स ले लेंगे। अपार्टमेंट के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि वो सीज़न पे मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो बुकिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो वेरी करते हैं। तो जैसे लुसर्न में या ज्यूरिख वाला जो कोई अपार्टमेंट था जो हमने किया था, मेरे पास कमेंट आया था किसी का कि आप दे आर ट्राइंग टू बुक, और शायद उसकी मिनिमम कुछ वीक्स की है, एक या दो वीक से कम वो देंगे ही नहीं। तो पीक सीज़न में ऐसा ही करते हैं वहाँ पे, तो उनको कम दिन के लिए देना ही नहीं किसी को। बट ऑफ पीक टाइम में अगर आप जा रहे हो, तो आपको 1, 2 या 3 नाइट के लिए भी वो दे देंगे, वो चीपर भी दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है। होटल्स में नॉर्मली कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, होटल में आप प्राइस ऊपर नीचे होता है, बट आपको 1 नाइट के लिए भी आराम से मिल जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कई लोगों ने पूछा हुआ था कि मैं इतने दिनों बाद वीडियोस क्यों डालता हूँ, मैं जल्दी वीडियोस क्यों नहीं डालता। गाइस, एज आई सेड, मेरी एक फुल टाइम जॉब है, फैमिली भी है, अभी पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मुझे इतना टाइम, मैं चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँ, बट मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता। जिस तरह की एडिटिंग मुझे करना पसंद है, जिस तरह की वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, उसमें मुझे 8 से 10 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, और मैं 2-3 घंटे हर रोज़ के देके 2-3 दिन में एक वीडियो बना पाता हूँ। तभी मेरा टारगेट रहता है कि मैं एक वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट. आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे, वीडियोज़ को लाइक भी किया, इतने सारे कमेंट्स भी किए, थैंक यू वेरी मच. होपफुली और वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, ट्राई करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाने की, बट तब तक के लिए ऐसे ही चलता रहेगा. इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए. एंड यस, अगर कोई सवाल अभी भी मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के पूछ लेना. अगली आने वाली एक दो वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की.